बनाएंगे ब्रोकली के लॉलीपॉप। तो ब्रोकली को इस तरह से काटिए, ये देखिए। उसके लिए हमें सामान चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, मैदा, कॉर्नफ्लावर, पुदीने की चटनी, तेल तलने के लिए, दही, फूड कलर, नींबू, लाल मिर्च पाउडर, नमक। ब्रोकली को हम पहले पानी में बॉईल करेंगे 5 मिनट तक। ब्रोकली को हम पानी में डालेंगे उबालने के लिए, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 5 मिनट। एक उबाल आने पर इसको बंद कर देंगे हम लोग। ये देखिए हमारा उबाल आ गया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे गैस बंद करके। एक छलनी लेंगे, इसको अच्छे से, देखिए ब्रोकली को हमने निकाल लिया है बॉईल करके। तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे, अभी हम इसका मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए पहले मैदा, ये 4 चम्मच मैदा है, तो हम पूरा डाल देंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, चटनी पुदीने की, दही 2 चम्मच, इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, इसमें फूड कलर डालना है 1 चम्मच छोटा वाला, ताकि अच्छे से कलर आए इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे नींबू, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये ब्रोकली का लॉलीपॉप का मसाला बन गया। अभी हम इसमें डाल के 1 घंटा कम से कम फ्रीज़र में रखना है इसको। ये देखिए ब्रोकली का पानी निकल गया है, अभी हम इसमें एक एक करके डालेंगे ताकि पानी ना रहे अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमने फ्रीज़र में रखा था, ये 1 घंटा हो गया है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है, फ्राई पैन में हमने ऑयल ले लिया है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम पलट लेंगे, एकदम क्रिस्पी करना है इसको। ये देखिए हमारे ब्रोकली के लॉलीपॉप तैयार हैं, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे।
ये देखिए हमारे ब्रोकली के लॉलीपॉप तैयार हैं। अब इसको खाइए चटनी के साथ, सीजन सॉस के साथ।